सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बन रहे हमारे 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, ये अभी तक कहाँ पर पहुँचा है, इसका क्या स्टेटस अपडेट है और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके सामने आ रही हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इसका आने वाले टाइम में क्या क्या प्लान है और कौन कौन सी सिटीज़ में हम लोगों को बुलेट ट्रेन देखने के लिए मिलने वाली है और आखिरकार क्या है डायमंड क्वाड्रिलेटरल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, इसके बारे में आप लोगों को आज सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये वीडियो। आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे जाकर आप लोगों को इंडियन रेलवे से रिलेटेड सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। फटाफट से आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। डायमंड क्वाड्रिलेटरल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, दोस्तों ये हमारे इंडियन रेलवेज़ का और इसी के साथ में हमारी इंडियन गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पहली बार 9 जून 2014 को लॉन्च किया गया था और इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो कि हमारे इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इनको बुलेट ट्रेन के नेटवर्क से जोड़ना है। अब दोस्तों, इस बुलेट ट्रेन के नेटवर्क से ये सिर्फ ये 4 सिटीज़ ही नहीं जुड़ने वाली हैं बल्कि इसके साथ में 14 स्टेट्स जो हैं ये जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये जो पूरा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है ये टोटल 14 स्टेट्स से पास होकर निकलने वाला है। अब दोस्तों, ऐसे में आप लोग अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया के लिए कितना बड़ा बूम होने वाला है, कितना ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट मिलेगा हमारी इंडियन इकोनॉमी को। दोस्तों, बात करें अगर हम लोग तो इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो बनाया जा रहा है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में, जो कि एक 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होने वाला है और इसका जो काम है काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हालाँकि दोस्तों, बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लैंड एक्विजिशन को लेकर और रिसेंटली महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज को लेकर। इसके बारे में रिसेंटली मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जहां पर मैंने इसकी जो प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट्स हैं इसके बारे में डिस्कस किया है, उसकी जो लिंक है आप लोगों पर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग आई बटन के ऊपर क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। खैर दोस्तों, अभी अगर हम लोग बात करें हमारे डायमंड क्वाड्रिलेटरल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, तो NHSRCL का कहना है कि उसने ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और अभी तक 6 कॉरिडोर जो है इनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से पहला जो कॉरिडोर है वो बनेगा दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में, दूसरा कॉरिडोर बनेगा मुंबई चेन्नई के बीच में, तीसरा कॉरिडोर बनेगा चेन्नई कोलकाता, चौथा कॉरिडोर बनेगा कोलकाता से लेकर दिल्ली के बीच में, पांचवा कॉरिडोर बनेगा दिल्ली से लेकर चेन्नई के बीच में और छठा और आखिरी कॉरिडोर बनेगा मुंबई से लेकर कोलकाता के बीच में। दोस्तों, इन पूरे 6 कॉरिडोर्स को बनाने के लिए अभी 6 रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से पहला रूट है दिल्ली से लेकर वाया नोएडा, आगरा और लखनऊ होते हुए वाराणसी का, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो रहेगा 865 किलोमीटर का। दूसरा जो रूट है वो है दिल्ली से लेकर अहमदाबाद का, जो कि जाएगा वाया जयपुर और उदयपुर होते हुए, इसका जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 886 किलोमीटर का। तीसरा जो रूट है वो है मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में, जो कि जाएगा वाया नासिक होते हुए, इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो है 753 किलोमीटर का। चौथा जो रूट है वो है मुंबई से लेकर हैदराबाद का, जो कि वाया पुणे होते हुए जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है वो है 711 किलोमीटर का। पाँचवा जो रूट है वो है चेन्नई से लेकर मैसूरू के बीच का, जो कि जाएगा वाया बेंगलोर होते हुए, जो कि डिस्टेंस है इसका 435 किलोमीटर का। और छठा और आखिरी जो रूट है वो है दिल्ली से लेकर अमृतसर का, जो कि वाया चंडीगढ़, लुधियाना और जलंधर होते हुए जाएगा और इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो है 459 किलोमीटर का। दोस्तों, यहाँ पर हमारी इंडियन रेलवेज का और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का अभी ये प्लान है कि बाय ट्रेन हमारी जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं इनके बीच का जो ट्रेवल टाइम है इसको रिड्यूस करना है। इसके लिए हमारी इंडियन रेलवेज दो तरीके के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को डेवलप करना और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को डेवलप करना। दोस्तों, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और कुछ नहीं है बल्कि ये हमारे ट्रेडिशनल ट्रैक्स हैं जिनको कि 160 kmph पर अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी काम शुरू किया जा चुका है जहां पर दिल्ली से लेकर मुंबई और दिल्ली से लेकर हावड़ा के बीच के जो ट्रैक्स हैं इसको 160 kmph पर डेवलप किया जा रहा है। और दूसरा जो हमारा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है इसको हमारे पूरे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में बनाया जाएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की जो सिटीज़ हैं इनको 350 kmph वाली हमारी बुलेट ट्रेन के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों,
दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है इसको शेड्यूल किया गया है, इसको प्लान किया गया है। इसी के साथ में दोस्तों इसके डेवलप होने के बाद में आप लोगों के पास में दिल्ली कोलकाता का एग्जाम्पल ये है कि अभी अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को दिल्ली से लेकर कोलकाता के बीच में ट्रैवल करने में तकरीबन 17 घंटे का टाइम लगता है। वहीं आगे जाकर जब ये बुलेट ट्रेन का नेटवर्क डेवलप हो जाता है तो उसके बाद में आप लोगों को दिल्ली से लेकर कोलकाता जाने में सिर्फ 5 घंटे का टाइम लगेगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूम होगा और हमारे सर्विस सेक्टर के लिए और बिजनेस सेक्टर के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने इन रूट्स के ऊपर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए DPR के जो ऑर्डर है ये ऑलरेडी दे दिए हैं और आने वाले 1 साल के अंदर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगी और इसको गवर्नमेंट के सामने पेश कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करें हम लोग की DPR के अंदर क्या क्या मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा तो दोस्तों इस रूट्स की फिजिबिलिटी क्या है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, इसी के साथ में लैंड अवेलेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में जो हमारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बन रहा है ये लैंड अवेलेबिलिटी की वजह से काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, लैंड एक्विजिशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लैंड अवेलेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा DPR का, इसी के साथ में अलाइनमेंट और अगर यहाँ पर बुलेट ट्रेन का ऑपरेशन किया जाता है तो पोटेंशियल ट्रैफिक क्या रहेगा, यानी कि यहाँ से कितने लोग ट्रैवल करते हैं बुलेट ट्रेन में, इसके बारे में भी सारी डिटेल्स जो है इस DPR के अंदर मेंशन करी जाएंगी। दोस्तों DPR के अकॉर्डिंग ही हमारी NHSRCL जो है ये डिसाइड करेगी कि इन कॉरिडोर्स में सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ऑपरेशन किया जाने वाला है या फिर हाई स्पीड ट्रेन को ऑपरेशन किया जाएगा। दोस्तों बात करें हम लोग मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बन रहे हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, तो हालांकि इसको लेकर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने इसको लेकर जो स्टेटस अपडेट है उसके बारे में सारी डिटेल्स दी हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने जो डेडलाइन है उसको मेंशन नहीं किया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसको जो नई डेडलाइन है वो दिसंबर 2023 की रखी गई है और आने वाले 6 महीने में बताया जा रहा था कि 90% लैंड एक्विजिशन का काम जो है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें जो है इफेक्टेड चल रही हैं, ऐसे में 6 महीने में ये 90% लैंड एक्विजिशन का काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ में जो मैंने भी आप लोगों को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बारे में बताया जहां पर जो DPR है इसको 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसमें भी शायद अब थोड़ा डिले देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ में दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से काम करने वाला है, क्या क्या कॉरिडोर्स रहेंगे और क्या क्या रूट्स रहेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई उसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर हमारी इंडियन रेलवे से रिलेटेड ऐसी ही बहुत सारी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।